नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी, हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर ऑल मॉडर्न अर्बनाइट प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने सीलिक दिवस मनाकर रोग प्रति जागृति हेतु जन व्याख्यान समागम का किया आयोजन। देश के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अस्पताल में सीलक नामक बीमारी पर चल रहे रिसर्च के चलते एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया द्वारा आयोजित करवाए गए सीलक रोग के प्रति जागृति अभियान के तहत लोक व्याख्यान समागम में भारी तादाद में आए सीलक रोग से ग्रस्त मरीजों द्वारा पूछे प्रश्नों को सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनूप सराय के गैस्ट्रोलॉजिस्ट विभाग की प्रतिष्ठित टीम, जिसमें डॉक्टर अमृता सिंह, डॉक्टर रोहित मलिक व सीनियर प्रोफेसर गोविंद मखाड़िया ने सीलक रोग संबंधित प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सहज व सरल तरीके से बताते हुए कहा, रोगी को ग्लूटेन प्रोटीन जैसे गेहूं और जौ से बने खाद्य पदार्थ को आहार में ताउम्र क्यों नहीं लेना चाहिए। प्रोफेसर गोविंद मखाड़िया ने कहा, ग्लूटेन प्रोटीन न पचने से उसका सीधा असर रोगी की छोटी आंत को प्रभावित करता है। यह बच्चों के अलावा किसी भी उम्र में वृद्धा अवस्था में भी हो सकता है। रोग के मुख्य लक्षण में मरीज की लंबाई व वजन का ना बढ़ना, लंबे समय तक दस्त लगे रहना, खून की कमी और हड्डियों की कमजोरी होने से अन्यथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। डॉक्टर गोविंद ने सही रूप से रोग स्पष्टीकरण करते हुए सभी रोगियों को पूर्णत रूप से संतोषजनक उत्तर देते हुए कहा, हमें इस बीमारी में दवा की नहीं परहेज की अति आवश्यकता है। ग्लूटेन प्रोटीन फ्री सामग्री आहार सेवन ही इस बीमारी से ग्रस्त मरीज के रोग मुक्त निदान के लिए ताउम्र ग्लूटेन फ्री आहार लेना उसका अटल संकल्पित परहेज ही उसके लिए दवा के माफिक एक रामबाण उपचार है। प्रोफेसर गोविंद मखाड़िया ने मीडिया समक्ष बताते हुए कहा, वह एम्स में गुरुवार को दोपहर में सीलिक रोग ग्रसित रोगियों के लिए विशेष क्लिनिक चला रहे हैं और हमारे पास 1300 रोगी पंजीकृत हो चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 60 से 80 लाख भारतीयों का सीलिक रोग से ग्रसित होने का अनुमान है। हम चाहते हैं लोगों को इस रोग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते हुए इस बीमारी से ग्रसित रोगियों की बढ़ती संख्या को रोका जा सके। विश्व भर के वैज्ञानिक एक सीलिक रोग के वैकल्पिक उपचार को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, हम सब सीलिक रोग को ताउम्र महज ग्लूटेन फ्री आहार द्वारा अपने आप को आजीवन भर स्वस्थ रख सकते हैं और सेहतमंद रहते हुए हर क्षेत्र की कार्यशैली को तीव्रता पूर्वक करते हुए देश को विकास डगर की राह में ले जाने पर अपना सार्थक योगदान दे सकते हैं। समागम के अंत में लोगों का सीलिक रोग के प्रति जागृति उत्सुकता रुझान काफी हद तक देखने को मिला। कुल मिलाकर यह सेमिनार पूर्णत रूप से सार्थकमय रहा। दिल्ली से संवाददाता अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।